सो गाइस, सीज़न 18 आने वाला है और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि यार 1.3 के जो अपडेट में हम लोग बिना वीपीएन के पबजी मोबाइल खेल सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपना पबजी मोबाइल ओपन करके बिना किसी वीपीएन के। तो देख सकते हो कोई भी वीपीएन कनेक्टेड नहीं है और बैकग्राउंड में कुछ नहीं है। और ये पबजी मोबाइल मैं आपको चला के दिखाता हूँ सबसे पहले, एंड देन मैं आपको बताऊँगा कि आप भी कैसे चला सकते हो पबजी मोबाइल बिना वीपीएन के। ओके, सो ओपन हो रहा है एंड देख सकते हैं कोई भी वीपीएन नहीं कनेक्ट कर रखा, बस स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन है और ये पबजी मोबाइल। देख सकते हो बिना किसी वीपीएन के हमारा चालू हो चुका है पबजी मोबाइल। और अगर यार तुम लोग चलाना चाहते हो इसको, ठीक है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हम चलते हैं अपने प्रोसेस की तरफ कि कैसे चलाना। सबसे पहले गेम को कट कर दो और किसी भी वीपीएन को कनेक्ट कर लेते हैं, ताकि गाइस गेम डाउनलोड करने के लिए वीपीएन चाहिए बट उसको खेलने के लिए वीपीएन नहीं चाहिए, ध्यान रखना। कनेक्ट कर लेते हैं किसी भी सर्वर से, सिंगापुर या फिर यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब जो सर्वर आपको सही लगे। मैं यहाँ सिंगापुर से कनेक्ट कर रहा हूँ, हो गया कनेक्ट। एंड आपको सिंपली यहाँ पर क्रोम पे जाना है, सर्च करना है पबजी मोबाइल। और इसके बाद पबजी मोबाइल की वेबसाइट पे आ जानी है, पबजी मोबाइल 3rd एनिवर्सरी लिख कर आया होगा। और थोड़ा वेट कर लेते हैं बिकॉज़ मेरा नेट इतना बढ़िया नहीं है कि क्लिक करते ही वेबसाइट ओपन हो जाए। ओके, सो ये मैं थोड़ा स्किप कर। सो फाइनली अगर 10 साल बाद तुम्हारा वेबसाइट ओपन हो जाता है तो देख सकते हो कि एपीके डाउनलोड यहाँ पर आ रखा है और लिख रहा है 7 मिनट डाउनलोड टाइम। बस इसको डाउनलोड कर लेना है तुम लोगों को। जैसे ही यहाँ नीचे तुम्हें शो हो जाता है दिस टाइप ऑफ फाइल कैन हार्म योर डिवाइस टू, यू वांट टू कीप पबजी मोबाइल ग्लोबल, ओके कर दो और यहाँ तुम्हारा डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मैंने डाउनलोड कर रखा है मैं नहीं करने वाला, सो इसको कैंसिल कर देता हूँ और आगे की प्रोसेस बताता हूँ। अगर तुम्हारे पास पुराना वाला वर्जन या कोई सा भी वर्जन है इसके ऊपर से इसको इंस्टॉल कर दो। अगर ये इंस्टॉल नहीं हो रहा तो उसको डिलीट मारो एंड फिर इसको इंस्टॉल करो। एंड उसके बाद फर्स्ट टाइम जब तुम अपना पबजी ओपन करोगे तो वीपीएन लगा के ओपन करना एंड फिर वीपीएन को क्लोज कर देना एंड 100% तुम्हारा पबजी मोबाइल चलने लगेगा। और यार जिनका इस ट्रिक से पबजी मोबाइल चल जाए वो इस वीडियो को कृपया लाइक कर देना, और जिनका नहीं चले साले तुम मनहूस हो सबसे ज़्यादा। बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।